आप पीछे देख सकते हो, ये है कोस्टा सेरेना, जिसे कहा जाता है द शिप ऑफ द गॉड्स। सबसे पहले चलिए आपको दिखाएंगे रूम का इंटीरियर, क्या क्या फैसिलिटीज आपको अंदर मिलती है। और आज की जो आइटनरी है वो आप हाथ में आ चुकी है। अगर आप देखोगे ये एवरीडे आपके पास आपके रूम में आएगी। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज 7th November, करंट वक्त इट इज 4 o'clock, और लोकेशन आप देख लीजिए, दिस इज मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और आप पीछे देख सकते हो, ये है कोस्टा सेरेना, जिसे कहा जाता है द शिप ऑफ द गॉड्स। और सोचिए इतना बड़ा क्रूज है, आप देखोगे एक फ्रेम में पूरा क्रूज ही नहीं आ रहा, और लोगों में कितना एक्साइटमेंट, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर ये बोर्डिंग लाइन देख सकते हो। शुरू करें आपके लिए एक और वर्चुअल क्रूज जर्नी, दिस इज मुंबई टू गोवा। और ये वाला व्लॉग, ये वाली जर्नी मैं आपको दो पार्ट में दिखा रहा हूँ। पार्ट वन में मुंबई टू गोवा हम जाएंगे, और पार्ट टू में आपको जर्नी दिखाई जाएगी गोवा टू मुंबई की। इंटीरियर्स, रूम्स, एंटरटेनमेंट, स्विमिंग पूल, फूड, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। शुरू करें, नहीं देखो आपको स्टाइल बता दो, कमान। मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए, बिकॉज मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं कोस्टा सेरेना के साथ। आप क्रूज़ देखिए भाई साहब, क्या ज़बरदस्त लगता है। पहले भी मैंने आपको क्रूज़ जर्नीज दिखाई, बट ये जर्नी होगी सबसे अलग और सबसे बेहतरीन, द लार्जेस्ट क्रूज़ ऑन इंडियन वाटर्स। शुरू करें तो चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए, एक बार बोर्डिंग होने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, फिर पूरा आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। और अगर आप व्लॉग कास्ट करके देख रहे हो, फिर तो बात ही अलग है। आई टेल यू, क्रूज जर्नीज मतलब इनका तो मजा ही अलग है। शुक्रिया राजेश जी, एंट्री हो चुकी है। रूम नंबर आपको बता दूं ऑफिशियली जो मुझे दिया गया है, दैट इज 1077। और फर्स्ट इंप्रेशन आप देखिए कोस्टा सेरेना का क्या लगता है। तो राजेश जी ये बताइए, ऑन बोर्ड लगभग कितने रूम्स हैं, आइडिया कुछ आपको अंदाजे से? अच्छा, डेक 10 पर कितने? डेक 10 200 से ज्यादा रूम्स है ना। तो करंटली मैं हूँ डेक 10 पर। इंटीरियर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। एक बार हमको रूम मिल जाए, सबसे पहले आपको रूम का इंटीरियर दिखाना, ये देख लीजिएगा। यस, 1077 कौन सा रूम है? दिस इज बालकनी आई गेस। जो बालकनी हमने लिया, इस तरफ भी आप देख लीजिएगा सब रूम्स वगैरह, गैलरी वगैरह आप देखिए। फर्स्ट इंप्रेशन एकदम लाजवाब। ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबसे पहले चलिए आपको दिखाएंगे रूम का इंटीरियर, क्या क्या फैसिलिटीज आपको अंदर मिलती है। मजा आएगा पर यार, क्रूज सर ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब ऑन क्रूज आके ना खुशी हो रही है। मोस्ट प्रीमियम लग्जरी क्रूज ऑन बोर्ड। आप किधर से हैं? इंडोनेशिया। इंटरनेशनल स्टाफ भी हमारे साथ है, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू। सबसे पहले आपके लिए जो ज़्यादा एक्साइटमेंट है, दैट इज़ द रूम टूर। आपको मैं अंदर लेके चल रहा हूँ। कैटेगरी देखिए, यहाँ पर आपको 3-4 तरह की कैटेगरी मिलती है। जो मैंने लिया है, दैट इज़ बालकनी। सबसे पहले अब आपको पूरा रूम टूर एक उसका दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए डबल बेड हो गया, प्लस बालकनी में आपको मिलता है सोफ़ा, एकदम पेंटिंग्स वगैरह आप देख लीजिए। यहाँ पर पूरा सिस्टम आपको दिखा दूँ, बैठ के काम करने का, वर्किंग इन केस या आप चिल करना चाहें। इसका ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इंटरनेशनल चार्जर। सो प्लीज़ जब भी आप कोस्टा सेरेना बोर्ड कर रहे हैं, वाला क्रूज बोर्ड कर रहे हैं, प्लीज़ चार्जर ज़रूर कैरी कीजिएगा। यहाँ पर आप मिरर देख लीजिए, लाइफ जैकेट दी गई है, एकदम आप लाइटिंग्स देखोगे, सेटअप देखोगे, एकदम फर्स्ट क्लास। अब आप पूछ रहे होगे वॉशरूम, यस आपको मिलता है यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम, एकदम आप देखिए क्लीन, मैं कहूँगा हाइजीनिक कह लीजिए। ये देखो यहाँ पर शावर का हो गया सब कुछ, टॉवल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास प्रोवाइड किया गया। आप देख रहे हो, ये है लग्जरी के लग्जरी और क्रूज का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो जिंदगी को जीने का मजा ही अलग आता है। पूरा डिटेल में आपको मैं टूर दे रहा हूँ, ये यहाँ पर हो गया। और बालकनी रूम है इस रूम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी। एक जरा ये आपको दिखा दूँ, ये मेरा कोस्टा कार्ड हो गया, जिसमें ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मतलब आपको इसमें इंक्लूड करना है। ये आपको दिखा दूँ, और ये दिखा दूँ, देखो बेवरेजेस पैकेजेस, अगर आप ये वाला क्रूज बोर्ड कर रहे हो, ये देखिएगा प्राइस पर डे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर। तो जो भी आप देख रहे हो सब कुछ पेमेंट वगैरह होगा USD में। और देख लीजिए ये कार्ड दिया गया है, जिसमें सब ड्रिंक्स वगैरह आप देखोगे जो भी है। और वेलकम अबोर्ड की एक यहाँ पर किट दी गई है, आपको ये जरा ये भी दिखा दें,
वेलकम किट दी गई है, जिसमें सब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, हाइलाइट्स, टूर्स का जो भी आप करना चाहें सब कुछ, वाईफाई पैकेज, इंटरनेट कनेक्शंस आप देखोगे यहाँ पर, सब आप देख लीजिएगा पूरा स्टॉप करके कैसे कैसे आपको कनेक्ट करना है, सब डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इसके बारे में आगे भी डिटेल में बातचीत करेंगे। ये हो गए, यहाँ पर मिरर हो गया, और बालकनी व्यू का देखिए ये सबसे बड़ा मज़ा है, जो ये है ना आपको रूम में जो अटैच्ड बालकनी मिलती है, देखो यहाँ पर सिटिंग का ऑप्शन हो गया फर्स्ट क्लास, और ये देखिए यहाँ से आमची मुंबई आप ड्रीम सिटी के नज़र, द सिटी विच नेवर स्लीप्स, आप देखिए क्या व्यू मिलते हैं। और जब क्रूज चलेगा तब देखिएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या नज़ारे, रात को मैं आपको पूरे नज़ारे दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। एक बार जर्नी की शुरुआत होने दीजिए, सच में मतलब मज़ा ही आ गया। फर्स्ट इम्प्रेशन आप देखो पूरा, आपको मैं वाइड में अगर यहाँ से दिखाऊँ, ये हो गया मेरा बालकनी रूम। आपको इंटीरियर कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट क्लास मतलब कॉस्टा सेरेना जो रूम्स हैं, मैं तो ये कहूँगा दिल जीत लिया। आप देखिए, और यहाँ पर एक ही फ्रिज भी आपको दिया गया है, एक मिनी बार आप कहोगे, ये देखो यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलेगा, टी कॉफ़ी वगैरह, देखो सब कुछ, डस्टबिन वगैरह, क्लीननेस वगैरह, और लगेज आप एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हो तो ये देखो यहाँ पर स्विमिंग पूल टॉवल्स हो गए, लॉन्ड्री वगैरह का जो जो सिस्टम है सब आपको यहाँ पर, यस हैंगर्स भी आपको दिए गए हैं, एक मतलब ए टू जेड चीज़। ये देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट दी गई है इनकेस अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो या आपके साथ एक और कोई एक्स्ट्रा है, तो आप देखो ये सोफे के साथ जो दिया गया है मस्त। पूरा डिटेल में तो देखो आपको क्या ही दिखाऊं, बट मज़ा आ गया। अभी तो आगे बातचीत करेंगे अगले तीन नाइट के लिए, आपको बता दूं नेक्स्ट 7, 8, 9 थ्री नाइट्स के लिए ये मेरा रूम हो गया। भाई साहब जिंदगी को जीने का जो मज़ा है ना क्रूज पे लेवल ही अलग है। करंट वक्त आपको बता दूं दिस इज 5:15, डिपार्चर बता रहे हैं मे बी अराउंड 7 o'clock। अब मैं आया हूँ डेक 9 पर, आप देखोगे दिस इज आर रेस्टोरेंट। यहाँ पर इन्होंने बिकॉज अभी वेलकम हुआ है, अभी हम ऑन बोर्ड आए तो इन्होंने लोगों के लिए कुछ फूड आप कह लीजिए खाना स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर आपको मिलेगा वेज, नॉन वेज और जैन ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। पनीर चाहे पराठे की बात कीजिए, वेजिटेबल्स की बात कीजिए, और अगर आप फिटनेस गीक हैं आपको शायद लगता होगा क्रूज़ पर अच्छा खाना नहीं मिलेगा, नहीं, यहाँ पर आप देखिए फ्रूट्स चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जो भी आपको चाहिए सब कुछ यहाँ मिलेगा। मैंने लिया पनीर की सब्ज़ी और पराठा, टेस्ट करके आप देखिए लाजवाब, मतलब बेस्ट इंटरनेशनल शेफ आप कह लीजिए ऑन बोर्ड आपको मिलेंगे। स्टाफ का बता दूँ कितने बता रहे हैं, मोर देन 1000 स्टाफ ऑन बोर्ड। अभी मैंने अगर आप देखोगे हक्का नूडल्स भी लिया है, पापड़ भी साथ में लिए, और देखो पब्लिक यहाँ पर धीरे धीरे अंदर आ रही है और लोग माहौल को एंजॉय करते हुए, इतना सुकून आपको यहाँ मिलेगा बिकॉज आप इतने पैसे देते हो। देखो अब देख रहे हो आप, इसे कह रहा हूँ क्रूज़ का तो एम्बियंस अलग है, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आपको इतना खाना इस व्लॉग में दिखाया जाएगा कि आपको शायद खाते खाते फिर भूख लगाए। यहाँ पर आप एम्बियंस देखिए, इन्होंने कितना सुंदर इंटीरियर डिज़ाइन कर रखा, सपनों की महानगरी का आप ये नज़ारा देखिए। वहाँ पर अगर आप देखो, आपको दिखा दूँ सनसेट होता हुआ, बट यहाँ आप लोगों में एक्साइटमेंट देखिए। आपको बता दूँ करंटली मैं आया हूँ डेक नंबर 13 द हाईएस्ट वन, और आप यहाँ से देखिए, आपको दिखा दूँ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बच्चों के संग आ रहे हो तो ये वाटर स्लाइड हो गया, वहाँ पे बच्चों का पूल हो गया, आपको वहाँ पर जकूजी होगा, और देखिए यहाँ पर आप पूरा एरिया, मतलब जितना मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ से इस साइड से इस साइड एंड ए टू एंड बी आप वॉक कीजिए और आप बता रही कितने राउंड लगा सकते हैं। आप देखो कितना ज़बरदस्त लुक आता है। अभी तो देखिएगा महज शुरुआत है, आगे आपको मेरे को जिम दिखानी है, स्पा मैं कोशिश करूँगा जितना आपको दिखा पाऊँ। एक स्विमिंग पूल आप देखोगे यहाँ पर हो गया, एक स्विमिंग पूल अगर आप देखोगे वहाँ हो गया, बिकॉज लोग नहा रहे हैं तो ड्यू टू प्रिवेसी आप भी समझिए, मैं पूरा आपको इन डिटेल नहीं दिखा सकता हूँ, बट आप ये नज़ारा देखिए। आप सोचिए आप ऐसे क्रूज पर हैं जहाँ पर आपके साथ ऑलरेडी इतने लोग हैं, इतना स्टाफ है, आपके पास खाना है, आपके पास एंटरटेनमेंट है, आपके पास कसिनो है, आपके पास एक ज़बरदस्त लग्जरियस रूम है, बताइए आपको और क्या चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी इंटीरियर आपको दिखा पाऊँ, जितना भी आपको पूरा क्रूज दिखा पाऊँ, बट दिस इज़ जस्ट पार्ट वन। अभी तो आप पार्ट टू भी देखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा इस साइड और दिखा दूँ। आपसे कह रहा हूँ ना, आप वॉक करते करते थक जाएंगे बट इस क्रूज़ का मज़ा ख़त्म नहीं होगा सच में। ये देखो कॉस्ट आप देख सकते हो, वाकई में ज़बरदस्त नज़ारा। थोड़ा सा यहाँ चलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इस साइड और दिखा दूँ, मुंबई टर्मिनल साइड आप देखिए लोग फोटोग्राफ सेल्फी सब लेते हुए यहाँ पर आप देखोगे सब एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ भी आपको दिखा दिया जाए, ये देखो मुंबई का
आप ये नज़ारा देखिए, मतलब क्या ही कहेंगे इसको। देखिए पूरा टूर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट हर चीज़ अगर मैं अपनी ज़ुबानी बता दूंगा तो मज़ा कैसे आएगा। करंटली आपको बता दूं, हम आए हैं डेक 3 पर, और अगर आप ये देखोगे दिस इज़ वेस्पा रेस्टोरेंट। शायद आपको ऐसा लग रहा बहुत लग्जरियस है, पेड है पर ऐसा एक्स्ट्रा पेड है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आप आराम से बैठे, शांति में सुकून में बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हो। हमारे संग एक हमारे पैसेंजर मौजूद हैं जो आए हैं दिल्ली से जी। आपका ज़रा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, आपको ये क्रूज़ कैसा लगा और क्रूज़ का खाना कैसा लगा? क्रूज़ अभी तक तो बहुत अच्छा है जी। मतलब हमने अब दोपहर में यहाँ पे बोर्ड किया था जी, तो फैसिलिटी सारी बहुत अच्छी है। और रूम कैसा लगा आपको? रूम बहुत सही है। हाँ, हमारा बालकनी रूम है जी, तो व्यू तो बहुत अच्छा है और रूम भी सही मेंटेन्ड है। अच्छा, और मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने वेज खाना ट्राई किया, वेज फूड वगैरह कैसा लगा? मौसम ना, और जो कपल में आ रहे हैं बाय एनी चांस, अगर कोई हनीमून के लिए भी अगर क्रूज पर आ रहा है, आप कुछ टिप एज अ कपल आप कुछ टिप देना चाहेंगे? रेकमेंड करेंगे हम तो क्या जाने से बेटर मेरे को ये ज्यादा ये ज्यादा बढ़िया ना, तो ठीक है वही है। बात करते हैं, देखो अपना देश, मतलब लेट्स प्रमोट द डोमेस्टिक टूरिज्म। हाँ, और सबसे बड़ा है सुकून। हाँ बिल्कुल, मुंबई का ट्रैफिक, दिल्ली का वो पॉल्यूशन, बिल्कुल है ना, उससे छुटकारा। चलिए थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप अपनी क्रूज की जर्नी एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम डे वन। अब देखिए बिकॉज नाइट में सेलिंग है तो बाहर के नज़ारे आपको मैं क्या ही दिखाऊं, अब आपको सीधा कल सुबह के मैं नज़ारे दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, देखो ये आपको रूम में डे वाइज आइटनरी आती है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कौन से प्रोग्राम कितने बजे है और कहां पर है। शाम को यहां पर बॉलीवुड पार्टीज़ हुई हैं, प्लस काफ़ी एंटरटेनमेंट शोज़ भी हुए हैं। अब बिकॉज ऑफ बॉलीवुड कॉपीराइटेड म्यूज़िक आप कह लीजिए, वो भी मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँ। ये देखो लो यहां पर मेरा रूम, बिल्कुल रूम में सन्नाटा, और अब वक्त है सोने का। थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक चाहिए, और बिकॉज इतने ज़्यादा आप यहाँ आगे पीछे राउंड करते हो तो उसकी वजह से थकान और हो जाती। ठीक है, अब आपसे मिलूँगा मैं कल सुबह। अभी मेरे को आपको कसिनो दिखाना है, जिम दिखानी है, स्पा दिखाना है, बहुत कुछ दिखाने के लिए, बट फिलहाल के लिए थोड़ा आराम। रात को डिनर भी हो गया अच्छे से, लोगों से बातचीत भी हो रही है, लोगों से मुलाकात हो रही है, कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एज पर टुडेज आइटनरीज आज का दिन पूरा ख़त्म। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल ऑन डे टू, आपको पूरी सेलिंग दिखाएंगे, बाहर के नज़ारे, बालकनी से सब कुछ। यहाँ देखो लाइटिंग्स वगैरह, आप इंटीरियर देखिए भाई साहब, रूम का तो खैर कोई जोड़ नहीं। ठीक है ना, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे टू फ्रॉम कोस्टा सेरेना। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी बिकॉज हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। और आप देखिए ये है क्रूज़ लाइफ का मज़ा, मतलब रात को क्या नींद आई है पता ही नहीं लगता कि मूवमेंट हो रहा है। आपको सच बता रहा हूँ, दिस इज़ होटल ऑन सी आप मान लीजिए। कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपके सामने, अगर आपको क्रूज़ लाइफ पसंद है आपको बता दूँ, इसकी पैसेंजर कैपेसिटी अराउंड मोर देन 3,500, केबिन्स आप मान लीजिए अराउंड 1,500, और अगर आप लेंथ की बात करोगे क्रूज़ की सो दिस इज़ 290 meters, विड्थ की बात करोगे तो अराउंड 35 meters, और क्रूजिंग स्पीड की बात करते हैं वो जाएगी 21 knots, और मैक्सिमम जो स्पीड जाती है वो है 23 इस क्रूज़ की। और टोटल डेक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलती है करीब 14 decks। और आप देखिए सुबह सुबह लोग अपने रूम से आ गए, यहाँ पर कुछ लोग वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक, आप यहाँ पर जिम भी है आपको पता ही है, बट देखिए क्रूज़ लाइफ का ये मज़ा है। और कोस्टा सेरेना जिसे कहा जाता है द शिप ऑफ द गॉड्स, वाकई में मतलब मज़ा ही आ गया। अब देखिए सुबह क्या हवा चल रही है, कभी कभी तो ऐसा लगता है अपुनिच भगवान है सच में, मतलब इतनी सुंदर सुबह हो तो मज़ा ही कुछ और। आप देखिए यहाँ पर पूरा ऊपर हम आए हैं डेक पर एक्सप्लोर करने के। अब मैं आपको लाया हूँ डेक 9 पर, यहाँ देख लीजिएगा ब्रेकफास्ट की शुरुआत हो चुकी है, टाइमिंग है 7 to 11। वेजिटेरियन पहले आपको दिखा दूँ,
ये टाइमिंग्स देख लीजिएगा, लंच का, टी टाइम, डिनर जो भी है, ये आपके लिए यहाँ पर पूरा एक डिटेल में मैं आपको फूड नामा दिखाने जा रहा हूँ, बिकॉज कल मैं आपको दिखा नहीं पाया था। यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेड टोस्ट हो गए, कुछ टूरिस्ट, कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। सब तरह की ब्रेड्स आप यहाँ देख सकते हो, क्रोइसेंट आप यहाँ देख सकते हो, ये हो गया, ये आपके लिए, ये सब वेजिटेबल्स, वही सब कुछ फ्रेश आपको यहाँ मिलेगा। ये वापस आपके लिए यहाँ पर स्वीट्स हो गए। कैसे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। इस तरफ भी चलेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, वापस मिष्ठान आप देखोगे, छोटे दानिश केक, सब आपको देखिए, इतनी वेराइटीज़, ये सब जेंट्स वगैरह आएंगे यहाँ पर। और मेन अगर आप देखोगे तो सांभर यहाँ हो गया, ये सब अलग, मिस वेजिटेबल उपमा हो गया, ये बेक्ड बीन्स हो गई, यहाँ पर इडली हो गया, ये उत्तपम हो गया। खाना कैसा लग रहा है सर? अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है ना? चलिए, ये हो गया, इस तरफ आपको खाता है, ये चटनी हो गई, यहाँ पर मूजली, योगर्ट, सब कुछ आपको जो भी आप चाहें, आई गेस डोसा, डोसा का भी होगा इनकेस अगर आप ऑमलेट लेना चाहें, नॉन वेज उस साइड है। और आप देखो एकदम फ्रेश फ्रूट, वाटरमेलन हो गया, सब कुछ स्लाइस्ड फ्रूट्स आपके सामने, अगर आपको फिटनेस, अगर आप फ्रेश एकदम खाना चाहिए। देख लीजिएगा, ये पूरा एरिया है जहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर वेजिटेबल सर्व, यहाँ पर वेजिटेरियन सर्व किया जा रहा है। इस तरफ आपको दिखा दूँ, वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर नॉन वेज सर्व हो रहा है, और उसके पीछे जो काउंटर आप देखोगे तो वहाँ पर जैन सर्व हो रहा है। ये देखिए, सुबह सुबह आप बिल्कुल सेल कर रहे हैं, और इन नज़ारों के संग यहाँ बैठ के, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा ब्रेकफास्ट कैसा है। देखिए, यहाँ बैठ के आप ये नज़ारे लीजिए, ये देखिए ये नज़ारे लीजिए, और आप अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर सकते हैं। मतलब सच में दिस इज़ जस्ट डे टू, और क्रूज़, मतलब क्रूज़ का ये मज़ा है वाकई में, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम। कल तो ये मानिए क्रूज़ के चक्कर लगा लगा के थोड़ी बहुत थकान हो गई थी, बट रात को ज़बरदस्त नींद आई, और अब हो गया एक लग्जरियस, आप देखिए ब्रेकफास्ट, मैंने आपको दिखाने के लिए इतना कुछ लिया है, आपको सच बता दूँ, ऑमलेट वगैरह। सी, टेस्ट का तो रिव्यू खैर मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है, लाजवाब। सबसे अच्छी बात है खाने के जो काउंटर हैं, जैन का काउंटर इन्होंने अलग लगाया है, नॉन वेज का अलग, वेज का बिल्कुल अलग, मतलब टेस्ट का तो मैं क्या ही बोलूँ। चाहे आप वो ट्राई कर लीजिए, ऑमलेट ट्राई कीजिए, आलू भाजी, आलू की सब्ज़ी आप ट्राई कीजिए, सब एक नंबर, रोटी वगैरह भी यहाँ पर है, लाजवाब। मतलब क्रूज़ का यही है, इतने एक्सपीरियंस्ड शेफ़ आपको यहाँ मिलेंगे। आप देखो, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, जूस, जो भी आप लेना चाहें, मज़ेदार। रिव्यू तो खैर मैं आपके सामने क्या ही करूँ, बस अब ये इन्जॉय करेंगे, और फिर मैं जा रहा हूँ, एक मसाला चाय और चाहिए, चाय मिल जाए ना बस। करंट वक्त आपको बता दूँ, दिस इज़ 11 o'clock, आप देख लीजिए यहाँ पर पूल आप देख सकते हो, और आज की जो आइटनरी है वो आप हाथ में आ चुकी है। अगर आप देखोगे ये एवरी डे आपके पास आपके रूम में आएगी, पूरा प्लान आपको बताया जाता है। आपको दिखा दूँ, 8 November, यहाँ देखिए, अब सुबह 11 बजे अगर आप देखोगे तो बीच पार्टी बाय द पूल, मतलब यहाँ पर अब कुछ बीच पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखो, बिकॉज ऑफ द कॉपीराइटेड सॉन्ग्स मैं आपको ज़्यादा शायद नहीं दिखा पाऊँ, तो आपको ये दिखाना ज़रूरी है जब भी आप क्रूज़ पर हो, बिकॉज आज क्या है, पूरा दिन हमारा क्रूज़ पर है, मतलब पूरे दिन सेलिंग हम करेंगे, आज हम पोर्ट तो पहुँचेंगे नहीं, ना कहीं भी डॉक करेंगे, तो ये आइटनरी ज़रूर हाथ में रखें ताकि आपको प्लान का पता रहे कहाँ पर आपको कितने बजे क्या करना। देखो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, कहाँ पर खाना है, सब कुछ इसमें आपको यहाँ पर प्रॉपरली बताया गया, तो कोशिश कीजिएगा ये ज़रूर ले लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया आपके रूम में आएगी, तो 11 बजे ये है, दोपहर को 4 बजे ये है, 5 बजे ये है, 7:45 को एक ज़बरदस्त शो है बॉलीवुड इंडियन सिनेमा का, ये भी कोशिश करेंगे आपको दिखाई जाए, बट आप यहाँ का माहौल देखिए, मतलब ध्यान रखिएगा रूम में नहीं रहना है, आप यहाँ पर रूम में रहने नहीं आए हो तो एक्सप्लोर करते रहिए। और यहाँ पर 11 बजे देखते हैं क्या होता है, बीच पार्टी बाय द पूल, वो मुझे यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाना। देखो, लोग अपने ही माहौल में यहाँ पर चिल करते हुए। अब मैं आपको लेकर आया हूँ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ दिस क्रूज, आप कह सकते हो। देखो, अब यहाँ पर इन्होंने कसिनो ओपन कर दिया, आपको ज़रा बता दूँ, कोस्टा कार्ड इज़ मैंडेटरी, प्लस आपको अपना क्रेडिट कार्ड इससे लिंक करना है, जो भी पेमेंट होगा USD में होगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में होगा, INR कैश यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपको कैश से बाय करना है तो आपको चाहिए डॉलर, प्लीज़ ध्यान रखिए। क्रेडिट कार्ड पर आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड पर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एनेबल होना चाहिए, तभी यहाँ पर पेमेंट क्लियर होगा। मिनिमम बाय जो यहाँ बता रहे हैं, इट इज़ अराउंड 50 USD, तो इसका ध्यान रखिए। और अपर लिमिट तो आपको पता ही है कसिनो में उसका तो मैं क्या ही बोलूँ। देखो, यहाँ पर इन्होंने एक एरिया बना रखा है, इस तरफ आपको ज़रा और दिखाऊँ, इस तरफ इन्होंने कुछ VIP लाउंज बना रखा है, मतलब यहाँ पर जो बाइंग लिमिट्स है वो और हायर होगी। देखो भाई, आई गेस यहाँ पर फिलहाल ओपन नहीं है, बट आप देखिए
कसिनो का आप इंटीरियर देखिए, आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप भी समझ सकेंगे। बट देखो यहाँ पर लोगों में आप देखो, देख रहे हो लोग यहाँ पर ज़िंदगी के भाई साहब मज़े ले रहे हैं। पूरा आपको कसिनो दिखा दूँ, इस तरफ भी आप देखो यहाँ पर भी सब गेम्स वगैरह हैं। थोड़ा खेलेंगे ज़रूर, आपको बताइए थोड़ा खेलेंगे ज़रूर, बट वो बाद में आप देखिए यहाँ पर। बट सबसे ज़्यादा पूरे दिन के मनोरंजन का यहाँ पर बंदोबस्त कर रखा है। स्विमिंग पूल पर पार्टी चल रही है, यहाँ कैसीनो ऑन कर दिया, अब थोड़े टाइम में और कुछ गेम्स भी ओपन होने वाले। करंट वक्त आपको बता दूँ, इट इज़ 5 o'clock, अगेन डेक नंबर 9, और यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने अब इवनिंग स्नैक्स शुरू कर दिया। तो चलिए आपके लिए जल्दी से एक फूड नाम और इवनिंग स्नैक्स में आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आप ये देख लीजिएगा आपके सामने। यहाँ पर सब बिस्किट्स वगैरह आप देख सकते हो, सब कुकीज़, अलग अलग तरह की कुकीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पर। ये एसॉर्टेड ड्राई केक्स हो गए आपके लिए, जो भी आप प्रेफर करें, सब इस तरफ भी देख लीजिएगा। यहाँ पर ये वेनिला सॉस, ठीक है, यहाँ पर सब एकदम गर्मा गर्म पकौड़े हो गए, एकदम अलग अलग देखोगे वेज मिक्स्ड हो गए सब यहाँ पर पकौड़े। यहाँ पर प्लस पिज़्ज़ा हो गया, टोमेटो एंड चीज़ पिज़्ज़ा आपके सामने। यहाँ पर ये देख लीजिएगा इंदौरी चाट भी आपको यहाँ पर मिल रही है, बताइए और क्या चाहिए। यहाँ पर अलग अलग तरह की चटनी हो गई, और इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सैंडविच भी हो गए, प्लस फ्रूट्स का ऑप्शन, टी कॉफ़ी जो भी आप चाहें, कॉफ़ी जूस वगैरह जो भी लेना चाहें, और ये सैंडविच हो गए विद एग्स, तो ये भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इस तरफ देख लीजिएगा सब पब्लिक बैठ के अपना यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग हाई टी जिसे कहते हैं, हाई टी अपना इन्जॉय करते हैं। इस तरफ आपको दिखा दो, यहाँ पर वेज है, उस साइड जो मैंने आपको दिखाया था दैट इज़ नॉन वेज। ये देखो एक काउंटर इन्होंने यहाँ लगा रखा है, और एक काउंटर इन्होंने वेज का यहाँ लगा रखा है, ताकि भीड़ पूरी एक साथ ना हो। बट ध्यान रखिए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खाना वेस्ट ना करें, जितना आपको प्लेट में चाहिए एक बार में उतना ही लें, बिकॉज थोड़ा बहुत खाए आपको बताया ना, जब इतना अनलिमिटेड खाइए जितना खाना है, मतलब एकदम इतना टेस्टफुल टेस्टी खाना आपको यहाँ मिलेगा। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट वेस्ट ना करें। एक बार मैं आपको टाइमिंग्स फिर से दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा यहाँ पर बंदोबस्त, क्रॉकरी देखिए भाई साहब, वॉल्यूम की बात करें ना आप देखिए, मतलब स्टाफ का तो क्या ही बोलना, इतना पोलाइट स्टाफ, और देखो इतना एक्टिव स्टाफ यहाँ पर है। पूरा दिन सोचिए क्रूज़ पर कहाँ निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। इट इज़ 6:30 और आप देखिए सनसेट आप वहाँ पर देख सकते हो, और मैं हूँ फ़िलहाल अपने रूम की, अगर आप देखोगे यहाँ पर बालकनी में क्या सुकून है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतने सारे पैसेंजर्स एक साथ ऑन बोर्ड हैं, टाइम कहाँ निकल रहा है ये पूछिए मत, मतलब कैसीनो चालू है, प्लस अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्टिविटीज़ चालू है। जो मैंने आपको आइटनरी बताई ना, आपको प्लान मिलता है, तो जब भी आप क्रूज़ बोर्ड कर रहे हैं प्लीज़ उस प्लान पर ज़रूर निगाह रखें। कोस्टा की ऐप भी है, आप ऐप डाउनलोड करके उसमें भी पूरी आइटनरी आती है, वहाँ पर भी आप सब कुछ देख सकते हैं। ये देखो वहाँ पर आपको दिख रहा है, आप देखिए मतलब क्या व्यू मिलता है पूछिए मत। अब एक कोई शो है 7:45 जो मैंने आपको बताया था, बस अब चेंज कर रहे हैं, अच्छे से तैयार होऊंगा और फिर मैं आपको शो और दिखाऊंगा, देखेंगे जितना भी आपको दिखा पाएंगे। देखिए यहाँ का मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मतलब वाइब ही अलग है मुंबई के, आपको बताया ना एक मुंबई के ट्रैफिक से दूर, हॉर्न से दूर, ऐसा लगता है सच में दिस इज़ मी टाइम, मतलब मैं अपने साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। वाह, यहाँ आप खड़े रहिए और आपको जो मतलब पीस मिलेगी ना, जैसा मैंने आपको बताया था करंट वक्त इट इज़ 7:30 और अब हम आ चुके हैं, आप देखोगे दिस इज़ इस क्रूज़ का थिएटर, डेक हो गया 3, 4, 5। आज है कुछ इंडियन सिनेमा का शो यहाँ पर दिखाने वाले हैं, और आप सोचिए ऑफिशियल टाइम 7:45, आप देखो 7:30 ही यहाँ पर पब्लिक आ गई, और आपने देखा कपड़े एक बार फिर से हो गए चेंज। तो अगर आप गोवा के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, क्रूज़ जर्नी, प्लीज़ साथ में कपड़े कैरी कीजिएगा। यहाँ पर आप पूरा कंसोल सिस्टम देख सकते हो, ये देखो आप देख रहे हो, मतलब ऐसा हल्के में मत लीजिए कि पब्लिक, मतलब टाइम पर शो शुरू नहीं होगा, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर 7:45 बोला है तो आप देख लो वहाँ पर स्टेज 7:45 ही शो को शुरू किया जाएगा। देखो आप देखो थिएटर लगभग पूरी तरह से मतलब फुल भी हो चुका है, देखो पब्लिक क्या आ रही है, ठीक है ना। अब बिकॉज ऑफ बॉलीवुड कॉपीराइटेड सॉन्ग मैं आपको शायद ज़्यादा ना दिखा पाऊँ, बट कोशिश करेंगे जितना भी आपको दिखा पाएँ। यस, सीट लेनी पड़ेगी सबसे अच्छी सीट, ताकि आपको शो दिखा पाएँ। देखो नीचे का एरिया तो पूरी तरह से फुल भी हो गया, वो देखो, अब देखो ऊपर की सीट्स यहाँ भरने लगी हैं, मज़ा आएगा सच में। मतलब पूरा दिन हम सेल, क्रूज़ आज तो मानो क्रूज़ रुका ही नहीं है, चल ही रहा है बैक टू बैक, पूरा दिन हो गया सेल करते करते, और टाइम कहाँ निकला पता ही नहीं चल रहा। अब देखते हैं आज का ये बॉलीवुड शो कैसा रहता है।
वापस मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और भाई साहब क्या जबरदस्त बॉलीवुड परफॉर्मेंस थी, आपको क्या ही बताऊं। काश मैं आपको पूरा ये परफॉर्मेंस ऑन कैमरा दिखा पाता, बट खैर कोई बात नहीं। अब देखिए डे टू भी यहीं ख़त्म होता है, 10:30 बजे बता रहे हैं, कुछ दिवाली फेस्टिवल का एक इवेंट और है, बिकॉज दिवाली फेस्टिवल है। अब आपको ये दिखा दूँ, कल हम पहुँचेंगे मरमूगांव पोर्ट, तो ये एक्सकर्शन का आप लिस्ट देख लीजिए, इसमें सब इवेंट है। और आप ये देखो, बिकॉज कल हमारी एक्टिविटी है, तो ये देखो इन्होंने लेटर पहले ही रूम में डाल दिया है कि कल मुझे कितने बजे मिलना है और कहाँ मिलना है। सोचिए, मतलब कहता हूँ एक चीज़ परफेक्ट यहाँ चल रही है। रूम की कॉस्टिंग की बात करें तो आपको सिंपल सा फंडा बता दूँ, पर पर्सन इट स्टार्टिंग प्राइस है 11,000 पर पर्सन पर नाइट, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द रूम आप कौन सा रूम ले रहे हो प्लस आप क्या पैकेज ले रहे हो। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको पूरी लिस्ट वहाँ मिल जाएगी, प्लस कौन कौन सी डेट को ये क्रूज़ सेल कर रहा है पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये वाला व्लॉग 1 फिलहाल मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, व्लॉग 2 ज़रूर देखिएगा। मैं एक्टिविटी करने जाऊँगा गोवा में, हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, प्लस वापस गोवा टू मुंबई की जर्नी आपको वो देखनी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। सो दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। आप कहोगे डिनर भी हो गया, देखो बार बार एक ही चीज़ मैं आपको कितनी बार दिखाऊं, आप भी समझिए। बस आपको एक छोटी सी मेरे को जर्नी दिखानी है, कम से कम टाइम में आपको जानकारी मिल जाए और आप अपनी इस कोस्टा सेरेना की जर्नी प्लान कर सके, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, पार्ट 2 देखिएगा ज़रूर। टाटा, टेक केयर।